हाय गाइस, मैं हूं आदित्य सिंह राजपूत और देखते रहिए बॉलीवुड अड्डा। सी यू। वेल, ये म्यूजिक वीडियो बेहद रोमांटिक है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत टाइम बाद टी सीरीज पे मेरा वीडियो आ रहा है। आई हैव डन लॉट ऑफ वीडियोज विद टी सीरीज बिफोर विद दिव्या जी एंड लॉट ऑफ अदर आर्टिस्ट, बट आफ्टर लिटिल बिग गैप ये म्यूजिक वीडियो आ रहा है टी सीरीज से। एंड रीना मेहता इनकी सिंगर है एंड देव नेगी जी, आई एम प्रीटी एक्साइटेड, बोथ आर अमेजिंग सिंगर्स एंड बहुत रोमांटिक गाना है। वैसे रियल लाइफ में अगर आप मुझे देखें तो मैं बहुत फंकी हूँ और बहुत पंक एंड पॉप कल्चर, मेरी कंपनी है फैशन ब्रांड, आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, तो हम लोग बहुत ज्यादा कूल कूल स्टफ में करते हैं, बट ऑन यू नो कैमरा मुझे हमेशा बहुत क्यूट और बहुत रोमांटिक रोल्स मोस्टली मिलते हैं मुझे। सो दिस इज अनदर वन एंड आफ्टर लॉन्ग आई एम प्लेइंग अ वेरी रोमांटिक बॉय इन दिस, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। बहुत ज्यादा फिल्मी और फिल्मी गाना है और बड़े लोकेशंस पे हमने शूट किया है। वो शिफॉन साड़ी उड़ रही है, ऐशानी जो मेरी को स्टार है इसमें, एंड बहुत ही खूबसूरत गाना है, आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। तो कुछ जो शूट हुआ है उसके बारे में एक्सपीरियंस बताइए, कैसा अनुभव था, कोई ऐसा याद आ रहा कहाँ शूट हुआ है, किस तरह से वो लम्हा बिताया था आपने जो शूटिंग का था? शूट जो है वो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में हुआ है, करजत के पास, एंड हमने बहुत बहुत सारे लोकेशन से, इनफैक्ट एक लोकेशन था हमारा लेक का, उसमें सुनील अग्रवाल जी जो हमारे डायरेक्टर हैं एंड सौरभ खत्री जो हमारे कोरियोग्राफर हैं, तो दे आर वेरी सॉर्टेड, एंड हमने कुछ 3-4 दिन का रिहर्सल भी किया, काफी डांस मूवमेंट्स भी हैं इसमें, और उसमें बड़े बड़े पत्थरों पे मुझे स्टेप करना था तो मैं बार बार फिसल रहा था, लेकिन फाइनली वी वर गेटिंग द स्टेप प्रॉपर एंड आई वाज कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन माय एक्सप्रेशंस देन द स्टेप्स, बिकॉज बहुत रॉकी रॉक्स थे बहुत सारे, तो बहुत मुश्किल हो रहा था घूमना एंड पूरे रॉक पे करना। एंड मुझे याद है एक मोमेंट था जब ईशानी और मुझे बोट में बीच में लेक में जाना है, हम दोनों को ही खाली, ठीक है, और हम लेक में है बीच में, और ईशानी को तो पानी से डर लगता है, ठीक है, और मैं भी बहुत तगड़ा यू नो स्विमर नहीं हूं, और ऊपर से पूरा वो कैमरा जा रहा है, हमारी मतलब मैं क्या बोलूं, हमारी ऐसी तैसी हो गई थी क्योंकि हमें लग रहा था छोटी सी बोट थी कहीं इधर उधर गिर ना जाए, सो काफी स्केरी मोमेंट था, बट वो जब शॉट मैंने देखा, जब मैंने फाइनल वीडियो देखा, तो आई वाज लाइक वाओ, दिस इज अ यू नो विजुअल ट्रीट आई वुड से, एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं वो शॉट्स, दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। वीडियो की जो म्यूजिक डायरेक्टर है गोफी और जो लिरिक्स डायरेक्टर है सिलेशनिस और नॉन का क्या म्यूजिक म्यूजिक संगीत आपको लगा और जो गाने के जो लेख और बोल जो है वो कैसे लगे आपको? बहुत ही प्यारे हैं, गोफी तो बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं एंड जो लिरिक्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, एंड तेनू कहना कहना बहुत थोड़ा सा पंजाबी भी है और हिंदी भी है, तो इट्स रियली नाइस, बहुत अच्छा है। सुनील जी बहुत स्वीट हैं और बहुत प्यार से आपको बताते हैं कि आपको ये करना है वो करना है, ही इज अ जेम, एंड मुझे याद है मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था इंस्टाग्राम से, जो रीना मेहता हैं जो इनकी सिंगर हैं वो ही इनको प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था, एंड तो आई वाज मोर देन थ्रिल्ड, एंड शी वाज इन ऑस्ट्रेलिया एट दैट टाइम, एंड शी फिक्स अ मीटिंग ऑफ मी विद सुनील जी, तो हम लोग एक यू नो लाउंज में मिले थे, एंड जैसे हम मिले वी हिट लाइक इंस्टेंटली, और जब हमने काम किया तो बहुत मजा आया, बहुत काफी लंबे लंबे आवर्स थे, बट इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। रीना मेहता जी ने बात कही द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन अर्थ व्हिच कैन नॉट बी सीन और इवन हर्ड मस्ट बी फेल्ट इन द हार्ट इज लव, तो इस बात से आप कितना सहमत हैं कि दिखाई भी नहीं देता सुनाई भी नहीं देता बट महसूस किया जाता है उस चीज को, उसको प्यार करते हैं? लव एक बहुत प्यारी फीलिंग है, इट्स जस्ट अ फीलिंग, आप किसी के लिए फील करते हो, तो बहुत सही बात उन्होंने बोली है, बट ऑनेस्टली मैं रियल लाइफ में कैसा इंसान हूँ, मतलब मैं बहुत सारे रिश्तों में जा चुका हूँ, ऑब्वियसली अभी मैं सिंगल हूँ, मैंने इतने सारे रिश्तों में जाने के बाद आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन, बट आई थिंक इन रियल लाइफ आई एम वेरी फ्लर्टेशियस ऑल्सो, और मेरा ये फंडा है कि आपको सबसे ज्यादा अपने से प्यार करना चाहिए उसके बाद किसी और को, क्योंकि जब तक आप अपने से ज्यादा इतना प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी को कैसे प्यार कर सकते हो, करेक्ट?
म्यूजिक वीडियो के मीडियम में आप कितना समझते हैं जो आर्टिस्ट हैं अक्षय ने एक्सप्लोर किया म्यूजिक मीडियम को और काफी हिट हुआ उनका बड़े आर्टिस्ट एक्सप्लोर करते हैं तो यू नो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा अगर वो हिट होता है गाना तो कितना ज्यादा पॉजिटिव स्टेप होता है कैरियर के साथ काफी बूस्ट मिलता है। आई वुड से दैट जब मैंने मॉडलिंग भी शुरू करी थी काफी साल पहले तो मैंने म्यूजिक वीडियोस और एड से ही शुरू करी थी और अभी भी मैं म्यूजिक वीडियोस करता रहता हूँ। एंड म्यूजिक वीडियोस इज एन एक्सटेंशन टू योर परफॉर्मेंस और स्पेशली मुझे जो म्यूजिक वीडियोस मिलते हैं उसमें मुझे लिपसिंग करने का मौका मिलता है। आई हैव बीन वेरी वेरी लकी अबाउट इट बिकॉज बचपन से आई यूज टू डांस एंड आई हैव बीन प्रोफेशनली ट्रेन्ड ऑल्सो एंड एज अ परफॉर्मर मुझे लगता है मैं नेशनल अवार्ड नॉमिनी ऑल्सो एज अ परफॉर्मर मुझे ये लगता है कि जब आप एक गाना गाने में परफॉर्म कर रहे हो तो डांस स्टेप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही लेकिन अगर आप लिपसिंग कर रहे हो और अपने यू नो एक्सप्रेशन से गाने को एक अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं तो आई थिंक परफॉर्मेंस आदि आपकी 80% परफॉर्मेंस तो दिस इज यू नो लिपसिंग एंड हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग एंड हाउ द केमिस्ट्री इज हाउ योर केमिस्ट्री इज विद योर को-स्टार तो आई थिंक सो आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसे म्यूजिक वीडियोस मिलते हैं एंड आई थिंक आई रॉक इट। म्यूजिक वीडियो में आपने मतलब ओटीटी पे भी काफी काम किया वेब शो वगैरह के हैं मैंने गंदी बात भी की है तो हां क्या कहना गंदी बात अगर की है तो जो नेगेटिविटी का माहौल है ओटीटी को लेकर या क्या आपको लग रहा है फ्यूचर किस तरह से है। सी नेगेटिविटी तो कुछ भी नहीं है मैं ये बोलूंगा कि ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वी हैव टेलीविजन सीरियल्स जहां सास बहू के शोज हैं जहां हमारे यू नो स्मॉल टाउन्स एंड मोर फीमेल ओरिएंटेड जो ऑडियंस है वो वहां है। ओटीटी इज मोर यूथ ओटीटी अब मैंने सास बहू के शोज से लेके ओटीटी लाइक गंदी बात पॉइजन टू एंड लॉट ऑफ न्यू वेब सीरीज विच आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ वो भी करें एंड मॉडलिंग में जो मैं फैशन शूट्स करता हूँ उसमें आप मुझे मेरी लुक बिल्कुल ही अलग देखेंगे लाइक एकदम कभी कभी मैं बाल अपने नीले करा लेता हूँ कभी ये पहन लेता हूँ तो एज एन आर्टिस्ट आई सी मुझे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से कोई मतलब नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे एक किरदार निभाना है और मैं उसको किस तरीके से अच्छे से निभाऊंगा और आई बिन वेरी लकी कि मैं आई बिन पार्ट ऑफ एम टी वी स्प्लिट्स विला रियालिटी टीवी एड्स म्यूजिक वीडियो ओ टी टी फैशन शूट्स सो मेरे लिए जो मेरी फैन फॉलोइंग है वो हर एक यू नो कैटेगरी से आई गेट फैंस सो आई एम वेरी 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 लकी अबाउट इट। यू हैव बीन पार्ट ऑफ स्प्लिट विद मतलब रियलिटी शो है अभी हाल ही बिग बॉस में रुबीना ने मतलब विनर घोषित किया क्या कहना चाहेंगे आपको कितना ज्यादा लगता है ये रियलिटी शो कॉन्सेप्ट कैरियर बूस्ट देता है जैसे मैंने ओटीटी के बारे में पूछा रियलिटी शो इज अ बूस्टर और यू नो समथिंग बस ऐसे ही। आई फील जब मैंने स्प्लिट्सविला किया था तो मैं उससे पहले कुछ 300 एड्स ऑलरेडी कर चुका था और काफी टीवी शोज कर चुका था और स्प्लिट्सविला के लिए मुझे 3 साल से कॉल आ रहा था और मुझे सारे लोग बोलते थे नहीं यार तू इतना अच्छा काम कर रहे तुझे रियलिटी टीवी में नहीं जाना चाहिए तुझे ये नहीं करना चाहिए वहां तेरी इमेज खराब हो जाएगी। इसी की वजह से मैंने 2 साल स्प्लिट्सविला नहीं किया बट मेरा ये डिसीजन स्प्लिट्सविला करने का जो मैंने कुछ 3 साल पहले किया था आई थिंक वॉज अ वेरी गुड डिसीजन क्योंकि यू नो आपको हर एक ऑडियंस को कैप्चर करना चाहिए एज एन आर्टिस्ट। मैं इवेंट्स बहुत नहीं करता था उससे पहले आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड यू नो बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग ऑन इंस्टाग्राम और स्प्लिट्सविला की जो ऑडियंस जो यूथ है लाइक 13-14 साल के जो लोग हैं 13-14 साल से लेके आई थिंक 25-30 साल तक की उसकी ऑडियंस है तो स्प्लिट्सविला करने के बाद मेरी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई मुझे और ज्यादा ब्रांड्स मिलने शुरू हो गए मेरा इंस्टाग्राम बहुत ग्रो हो गया। तो टू बी ऑनेस्ट आई फील एज एन एक्टर और मॉडलिंग जो भी हम यू नो इवन एन एक्टर और मॉडल इज अ बिजनेसमैन और आप एक किरदार है आप कैसे अपने आप को सेल करते हैं ऑडियंस की तरफ आई थिंक दैट व्हाट मेक्स यू योर फैन बेस एंड यस अ लॉट ऑफ मनी सो आई थिंक स्प्लिट्सविला वाज अ वेरी 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 गुड यू नो डिसीजन व्हाट आई डिड एंड अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिग बॉस में भी जरूर जाऊंगा। वेल मैं यही कहना चाहूंगा गाइज आप जानते हो कि मैं रियल लाइफ में बहुत फंकी हूँ बहुत फनी हूँ पार्टी एनिमल भी हूँ बट अगर मुझे बहुत क्यूट जोन में देखना है और मुझे बहुत रोमांटिक जोन में देखना है जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आप कितने क्यूट लग रहे हो आप इसमें ऐसे लगते हो तो प्लीज जरूर देखिए और प्लीज मुझे अपना रिव्यू दीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे एंड प्लीज वॉच इट शेयर इट एंड गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू आर वीडियो मेरी आशिकी लव यू गाइज।